अभी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है, आई थिंक -7 है, और अभी मैं देखने वाला हूँ पहली स्नोफॉल। सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो अभी बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है और हम लोग अभी जा रहे हैं आरना की बैले क्लास के लिए। तो यहाँ पर जैसे अभी इतने हैवी स्नोफॉल हो रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे लाइफ नहीं रुकती और अभी भी लोग चल रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मेन सिटी सेंटर। और भाभी मेन सिटी सेंटर से कहाँ जाएंगे? आरना के बैले स्कूल। तो अभी जस्ट 10 मिनट के अंदर ही ये पूरा लेन जो है ये पूरी वाइट हो गई है। थोड़ी देर पहले ब्लैक थी वहाँ पे, आई थिंक अभी कार चल रही है तो इसलिए वो अभी वाइट नहीं हुई है। और यहाँ पर देखो ये पूरा कवर हो गया, बहुत ही तेज हुई है ये। और साइड की जो ग्रीन फील्ड्स थे ये भी पूरे वाइट हो गए। तो हम लोग अभी बस स्टैंड पहुँच चुके हैं फाइनली, और ये रहा बस स्टैंड, घर के पास ही था। तो बस इंतज़ार करेंगे और फिर जाएंगे बस लेकर सिटी सेंटर। ये स्टॉप बटन है और ये इस बस का गेट बेसिकली ड्राइवर खोलते हैं कि या तो कोई भी पैसेंजर स्टॉप बटन प्रेस करे या उस स्टॉप पे कुछ लोग हों, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो बस उस स्टेशन को क्रॉस करके नेक्स्ट स्टेशन के लिए मूव होती है। चुके हैं फाइनली मेन सिटी सेंटर और अब यहाँ से आर्मा की जो क्लास है वो पास ही है तो बस इसको क्लास में ड्रॉप करेंगे और उसके बाद इंतज़ार करेंगे, थोड़ा ये सिटी सेंटर घूमेंगे। तो हम लोग पहुँच गए बस बैले शूले। सो शूले स्कूल और बैले है बैले, तो यानी बैले का स्कूल। आ गए? अच्छा ये अभी नहीं आए क्या? सो हम पहुंच चुके हैं बैले शूले। राइट, सरफेस कवर हो गया स्नो सर, यहाँ कोई फुट स्टेप्स नहीं है। अभी ये मेरे फ्रेश स्टेप्स हैं। देखो मैं दिखाता हूँ कि अभी जो बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल होती है वो कैसे होती है। ये अभी गिरी है हार्डली आधा एक घंटा पहले और ये देखो कितनी फ्रेश है, मतलब ये बिल्कुल, ये आई थिंक ऑलमोस्ट 1 या 2 इंचेस की है और ये देखो कितनी फ्रेश है, जस्ट लाइक कॉटन। वो राट हाउस है, ऑक्सबर्ग की मेन ऑफिशियल बिल्डिंग है। यहाँ बहुत छोटे छोटे ऑफिसर्स हैं ऑक्सबर्ग के। हाँ, तो सामने दिख रही है ना। अच्छा, और ये वुल्फ बेकरी है, बहुत ही अच्छी बेकरी है, इस पे कुछ ट्राई करते हैं आओ। ओके, ये वही तो जो हमने सुबह देखी थी ना। हाँ, उसी की वो है दूसरी। तो मुझे तो यहाँ की ब्रेड्स के बारे में पता नहीं है, तो अभी भाभी ब्रेड्स देख रही है कुछ, अब पता नहीं क्या क्या तो इनके नाम है, तो उसके बाद खाते हैं बाहर, क्योंकि अभी हमें ना एक घंटा इंतजार करना है हर नाटक, तो सब तक कुछ खाएंगे
और बाहर स्नोफॉल में वॉक करेंगे। चले, कैसी थी क्लास? तो स्नोफॉल रुक गई है अब और हम देख सकते हैं कि बाहर बिल्कुल क्लीन स्काई हो गया और सामने दिख रहा है मून और ये ट्रैम भी आ गई है। तो चलो चलते हैं। आना तो हम कहाँ पहुंच गए अभी? अब हम पहुंच गए हैं जो पूरी सिटी सेंटर का जहाँ सारी बसेस और ट्रैम खड़ी होती है। अच्छा, और यहीं से जाती है हर जगह। तो यहाँ से हमें बस मिलेगी डायरेक्ट घर के लिए? हाँ। तो जैसे कि आना ने बताया कि ये एक बेसिकली बस टर्मिनल है जहाँ पे अलग अलग रूट्स की बसें आती हैं और ये पीछे पूरा चार्ट है कि कौन सी बस कब आएगी, कितने टाइम पे आएगी और कौन से आई थिंक प्लेटफॉर्म बोलेंगे क्या बोलेंगे या कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। जैसे कि यहाँ पर है A1, A4, B1, तो ये सब है। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं घर और यहाँ देखो कितनी ज़्यादा स्नो गिरी है आज, पूरा का पूरा वाइट हो गया। ये पूरी रोड जो हम गए थे तो उतनी नहीं थी, ये पूरा ब्लैक था और अभी अब आए हैं तो पूरी वाइट हो गई है। देखो कार भी पूरी वाइट हो गई है सामने। तो बस जाते हैं अभी अंदर क्योंकि रात भी हो ही गई है और ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। तो बस अंदर जाते हैं और गर्मा गर्म अदरक की चाय पीते हैं और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको आज की व्लॉग अच्छा लगा हो और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।